आईफोन 13। हाँ गाइज, अगर आप लोग आईफोन 13 परचेस करने के प्लान कर रहे हो तो आईफोन यहाँ पर आप लोगों फ्लिपकार्ट की बिग दिवाली सेल आने वाली है, जिसमें आपको बढ़िया बढ़िया डिस्काउंट मिलने वाले हैं। तो इसमें मैं बताने वाला हूँ क्या ये आप लोगों को 35,000 रुपये मिलेगा। तो पूरा वीडियो देखिए, जल्दी को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपने नहीं किया। आज का वीडियो स्टार्ट प्लीज़। यहाँ पर जो फ्लिपकार्ट की सेल है, मतलब जैसे कि आप लोग पता है, मतलब ये हो तो चुकी है चालू, और यहाँ पर क्या डिस्काउंट है, कैसा है, सब हमको आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, फ्लिपकार्ट में तो कोई तक खास ऑफर आपको नहीं मिल रहा आईफोन 13 में, बट 14 में मिल रहा है। मैंने उसको वीडियो बनाया नहीं, देखा, देख लेना। बट आपको अमेजोन की सेल में मिल रहा है यहाँ पर आईफोन 13 में ऑफर, जो मैंने देखा वहाँ पर, तो अराउंड 51,000 रुपीज़ करीब इसका प्राइस है, मतलब 1 रुपये कम। तो अब आप लोग क्या ये 35,000 रुपये तक में आएगा, क्या है इसको बात करते हैं। देखिए, 35,000 रुपये तो मैं नहीं मिलने वाला है, मतलब यहाँ पर आईफोन का जो 13 था वो भी अमेजोन रिटेल फेस्टिवल से लाई थी, मतलब जो एकदम फर्स्ट वाली, तो उसमें भी ये लोएस्ट गया था अराउंड 42-43, इसके नीचे ये गया नहीं, 42 भी बहुत कम बोल दिया, 43 में था लाइक। तो प्राइस इसकी इतनी लोगों ने कम नहीं करी, बट क्या आप लोग अभी मिलेगा, अभी भी बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला 35,000 रुपये में। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है यार, मतलब आईफोन 13 पुराना हो गया, कम से कम उसको आप लोग 35,000 तक क्या कर देते तो बढ़िया होती बात। पर अगर ये आप लोग को मिलने वाला है अराउंड 48,000 में, 47,000 में, मतलब 45 तक ले सकते हो उसको अगर एक्सचेंज करते हो तो। यहाँ पर मैं देख रहा था तो कोई कार्ड ऑफर आपको मिल रहा है अराउंड 1,750 रुपये का, तो अमेज़ॉन में, तो अगर आप लोग लेना चाहते हो तो अराउंड 48 में अभी मिल रहा है, और अगर आगे वाले समय में हो सकता है कि आपको 45 तक का मिल जाए। बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप लोग को थोड़ा पैसा और एक्स्ट्रा कर दोगे तो आईफोन 14 मिल जाएगा। ऐसा नहीं आईफोन 13 बढ़िया फ़ोन नहीं है, बढ़िया फ़ोन है, बिल्ड डिज़ाइन वैसे ही मिलता है, एकदम 95% तो सेम ही है फ़ोन, बिल्ड डिज़ाइन अच्छा है, डिस्प्ले आपको 6.1 इंच का ऑलेड पैनल मिलता है, बढ़िया क्वालिटी है, देन इसका कैमरा भी बहुत अच्छा है, A15 वाला चिपसेट है, iOS मिलता है, बैटरी भी अच्छी है, 12 से बेटर है, बहुत अच्छी बैटरी है इसकी। तो डेफिनेटली अगर आप लोग आईफोन 13 भी ले रहे हो तो बढ़िया है, बट मैं यही कहूँगा अगर आप 48,000 दे रहे हो तो इससे बेटर ये रहेगा यार कि 55 में तो आपको आईफोन 14 मिल रहा है, तो वो ले लो, वो बेटर रहने वाला है। मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाए हुए हैं, तो देख लेना, कमेंट करके बताइए कौन से लेने वाले हैं। बिकॉज मैं आपको यहाँ पर मेरी कोशिश ये रहती है कि आप लोगों को बढ़िया रिकमेंडेशन दूँ और सही प्राइस रेंज में आप लोगों को सही फ़ोन मिल पाए। बिकॉज यार किसी का भी पैसा जो है वो मतलब बहुत मेहनत से सब कमाते हैं, तो उसकी वजह से उनका पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर वीडियोज़ आप लोग लेकर आते रहता हूँ। तो आप लोग प्यार और सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए अपने भाई को, और बताइए कमेंट करके कि कैसा लगा हमारा वीडियो, क्योंकि यहाँ पर हम डेली वीडियोज़ लाने की वापस से कोशिश कर रहे हैं, और आप लोगों को फिर से एकदम डेली वीडियोज़ मिले ये मेरी कोशिश रहेगी, और आप लोग प्यार सपोर्ट दे रही है। एंड आईफोन 13 के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा, फ़ोन बहुत अच्छा है, ऐसा मैं फ़ोन में कोई खिलाफ बात नहीं कर रहा, बट ये है कि यार थोड़ा सा प्राइस हम एक्स्ट्रा देते हैं तो 14 मिल रहा है तो वही ले लें तो बेटर रहने वाला, उसमें क्योंकि ज़्यादा अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं यार 13 में, इतने बढ़िया डिस्काउंट नहीं जितने 14 में मिल रहे हैं। अगर आप लोग जाके देखोगे तो आप लोग 20,000 रुपये में डाउन पेमेंट लेकर आईफोन 14 अभी ले सकते हो, तो वो भी चीज़ें। तो कमेंट करके बताइए क्या करने वाले हैं। इस वीडियो में रखता हूँ, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।